hello friends welcome to dcs learning so this is a very important and good news for everyone that cucet exam will be conducted this year and you can see this official brochure of nta that nta cucet for 2021 ui that means undergraduate or इंटीग्रेटेड कोर्सेज सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस एवरीथिंग इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे जो कि आपको जानना है अगर आप इंटीग्रेटेड बी ए बी एड या बी एस सी बी एड या फिर एम एस सी बी एस सी इंटीग्रेटेड करना चाहते हो इंटीग्रेटेड एम एस सी कोई भी सब्जेक्ट में करना चाहते हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो वट यू विल गेट फ्राम अस फ्रॉम आवर चैनल दैट ऑल्सो विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो हम क्या सब आपको प्रोवाइड करने वाले हैं वो सब चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं देखो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले देखो एन क्या है आप सबको पता है ये सब बोलने का कोई ज़रूरत नहीं एनटीए का फुल फॉर्म भी जान लो एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इसका फुल फॉर्म होता है ऑफिशियल वेबसाइट ये एन टी ए डॉट ए सी डॉट इन ओके उसके बाद डिटेल्स देखो यहाँ पे सीधा चलते हैं हम लोग क्या क्या अवेलेबल है कोर्सेज कहाँ कहाँ अवेलेबल है आप देख सकते हो यहाँ पे कि देखो सी यू सी ई टी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बी एस सी बी एड के लिए कॉमन होगा बी ए बेड के लिए कॉमन होगा ठीक है तो ये चीज़ ये चीज़ आप जान लो बी एस सी बी एड के लिए अलग होगा बी ए बेड के लिए अलग होगा सारे बी एस सी बेड के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनका कॉमन पेपर होगा जितने भी बी ए बेड वाले हैं उन सबका कॉमन पेपर होगा बाकी सब फुल फॉर्म वगैरह यहाँ पर देख सकते हो ठीक है उसके बाद डेट देख लो 16 से लेके फर्स्ट सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो थ्री एंड फोर सितंबर को आपका करेक्शन वगैरह कर सकते हो ऑनलाइन पेमेंट का लास्ट डेट सेकेंड सितंबर है ये भी आप यहाँ पे देख लो ठीक है उसके बाद उसके बाद फी कितना लगता है ये भी देख लो जनरल के लिए एट हंड्रेड ओ के लिए भी एट हंड्रेड एस सी ट्रांसजेंडर के लिए थ्री एंड पी के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है ठीक है और आप चाहो तो बोथ बी एस सी बी एड एंड बी ए बी एड मतलब ये जो मैं दिखाऊंगा यहाँ पे चीज़ें यू आई क्यू पी जीरो वन और यू आई क्यू पी जीरो टू बोध के लिए आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है सेम एप्लीकेशन फ़ी में बोथ के लिए अप्लाई कर सकते हो जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अलग अलग पेपर आपको अप्लाई करने हैं तो तीन के बाद जितने ही पेपर अप्लाई करते हो वहाँ पर कुछ पैसा लगता था लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा आप बोथ के लिए अप्लाई कर सकते हो ठीक है बाकी डेट्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो है पंद्रह से लेकर ट्वेंटी फोर्थ सेप्टेम्बर के बीच में एग्जाम होने वाला है दो घंटे का एग्ज़ाम होगा मतलब 120 एक सौ बीस मिनट का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड एम सी क्यू फॉर्मेट में एग्जाम होगा ठीक है और यहाँ पर देख लो क्या क्या कोर्सेस हैं कहाँ कहाँ हैं एक बार देख लो ठीक है सीधे बाकी डिटेल्स फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं इसके लिए जो अलग वीडियो आएगा हमारे चैनल में तो कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो कौन कौन से यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सी ओ सी टी में देख सकते हो आसाम का सिलचर में है जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल में न, जो आंध्र प्रदेश का गुजरात हरियाणा जम्मू झारखंड कर्नाटक केरला पंजाब पंजाब राजस्थान साउथ बिहार एंड तमिलनाडु का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये सब जगह पर आप अप्लाई कर सकते हो ये सब सी यू सी में पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या क्या कोर्सेस हैं ये सब देख देख सकते हो ये सब जितने भी कोर्सेज़ हैं सब देख सकते हो हमारा जो काम का कोर्स है ये सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो कोई इंडिकेटेड बी एस सी एम जूलॉजी केमिस्ट्री फिज़िक्स इस सब के लिए भी हम कोर्स प्रोवाइड करेंगे लेकिन हमारे चैनल में आपको पता है कि हम बी एस सी बी ए के लिए कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं तो उनके लिए आप देख सकते हो ये कोर्स है ठीक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में यहाँ पर आप देख सकते हो बी एस सी का कोर्स है ठीक है बी एस सी मैथमेटिक्स ऑनर्स का भी कोर्स है ठीक है तमिलनाडु में और उसके बाद यहाँ पे बाकी भी इंटीगेटेड एम एस सी केमेस्ट्री मैथेमेटिक्स विक सब है इस सबके लिए भी हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको उसके साथ यहाँ पे बी ए बी एड भी अवेलेबल है सी यू जाम में ठीक है जम्मू कश्मीर उसके बाद यहाँ पे एस बी आर में मतलब साउथ बिहार में बी ए बी एड अवेलेबल है इंटीगेटेड बी ए बी एड इन सब के लिए जितने भी दिख रहे हैं जितने भी ट्वेंटी सिक्सटी फोर कोर्सेज है सबके लिए हम आपको कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे क्यों क्योंकि सबका जो सिलेबस है आप देख सकते हो एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो सेम है कोड वन के लिए जितने भी मतलब साइंस स्ट्रीम में जितने भी बच्चे हैं उन सबका सिलेबस जो है सेम है क्या आएगा एग्जाम पैटर्न देख लो 25 मार्क का इंग्लिश जनरल नॉलेज और एबिलिटी से क्वेश्चन आएगा और 25 मार्क का फिजिक्स 25 का केमिस्ट्री 25 का मैथ एंड 25 का बायोलॉजी आएगा ठीक है इन सब का 25 फिजिक्स का 25 केमिस्ट्री 25 मार्क ट्वेंटी क्वेश्चन एक्चुअली एंड मैथमेटिक्स 25 एंड बायोलॉजी 25 और ये सब मिला के 25 है इंग्लिश जनरल नॉलेज लेबिलिटी ठीक है ये ये कोड वन के लिए कोड वन में क्या क्या आता है यहाँ पे देख सकते हो जितने भी साइंस वाला है सब कुछ कोड वन में आता है मतलब यहाँ तक यहाँ तक सब साइंस वाला जितने भी होता है सब कोड वन में आता है फिर यहाँ से जो आर्ट्स वाला होता है इकोनॉमिक्स पोलिटिकल साइंस ठीक है सोशल मैनेजमेंट जो भी होता है इंटीग्रेटेड बीए बीएड आर्ट्स इंग्लिश इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी ज्योग्राफी वगैरह जितने भी होते हैं ये सब आपका ट्वेल्थ के बाद आप एग्जाम दे सकते हो ट्वेल्थ अगर आर्ट्स था तो साइंस था तो भी आर्ट्स में जा सकते हो आर्ट्स वाले साइंस में नहीं जा सकते एक चीज़ मार्क कर लो कि आर्ट्स वाले साइंस में नहीं जा सकते आर्ट्स वाले साइंस में नहीं जा सकते लेकिन साइंस वाले आर्ट्स में जा सकते हैं ये चीज़ आप मार्क कर लो एक चीज़ ठीक है तो उसके बाद हम लोग आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम लोग आपको हार्ड कॉपी जैसे आर के लिए प्रोवाइड करते थे उस तरह से आपकी इस एग्ज़ाम के लिए भी हार्ड कॉपी स्टडी मेटेल्स प्रोवाइड करेंगे उसके साथ साथ हम आपको टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ साथ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे जितने भी दिन का टाइम पीरियड है उसके लिए हम आपको ऑनलाइन कोचिंग भी आपको प्रोवाइड करेंगे बहुत जल्दी इस सब का कितना चार्जेस रहेगा क्या सब रहेगा कितने कुछ फ्री में भी कंटेंट आपको मिलेंगे तो जो सब डिटेल्स में मिल, मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे देखिए बहुत सारे टीचर हमको चाहिए होगा इसीलिए आप ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि सारे सब्जेक्ट मतलब सारे वीडियो फ्री में मिल जाएंगे क्योंकि आप सबको पता है कि इतने सारे टीचर हायर करने के लिए हमको पैसे भी उनको देना पड़ेगा हायर करेंगे तो दैट्स वाई आप ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगे जितने फ्री में दे सकते हैं हम डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन कुछ आपको पेमेंट करना पड़ेगा डिफरेंट ये यह जो यहाँ पे जो मैंने आप बोला स्टडी मेटेर टेस्ट सीरीज ऑनलाइन कोचिंग के लिए ठीक है बाकी यूट्यूब में जितने भी चीज़ मिलता है आप सबको फ्री में मिलता है लेकिन यूट्यूब का एक ऑनलिस्टेड प्लेटफॉर्म में हम अपने पेड़ बच्चे को जो जितने भी पेड़ स्टूडेंट्स हैं उनको वीडियो प्रोवाइड करते हैं उनको पता हो जिन्होंने हमारे कोर्सेज ज्वाइन किया है तो यहाँ पे आपने देखा साइंस वालों के लिए ये सब एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न है और आर्ट्स वालों के लिए क्या क्वेश्चन पैटर्न है पूरा सौ क्वेश्चन आएंगे ठीक है कहाँ कहाँ से आएंगे इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन से एनालिटिकल स्किल रीजनिंग जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस से इन सब से सौ क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे आपने देखा होगा तो यहाँ पे 125 क्वेश्चन आ रहा है टोटल पार्ट ए में 25 फाइव एंड पार्ट टू में 100 क्वेश्चन लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए सिर्फ सौ ही क्वेश्चन आएगा तो दिस इज द क्वेश्चन पैटर्न और अगर मीडियम इंस्ट्रक्शन देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो तो इंग्लिश में एग्जाम होगा एक क्वेश्चन करेक्ट करते तो वन मार्क मिलेगा और नेगेटिव करते हो तो पॉइंट फाइव पॉइंट जीरो फाइव आपका माइनस हो जाएगा मतलब आपका वन फोर जो है वो माइनस हो जाएगा ठीक है ठीक है क्लियर तो यहाँ पे आप एक और बार यहाँ पे देख लो जो भी एग्जाम पैटर्न है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो हम बहुत जल्दी आपके लिए जो कोर्स है जो फी जो भी स्ट्रक्चर रहेगा कोर्स डिटेल इमिडिएटली हम आपको एक दिन के अंदर इन्फॉर्म कर देंगे तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करो वीडियो अगर आपको वैल्यूबल लगे तो लाइक like करना दूसरों के साथ शेयर करना और अपना जो भी वैल्यूबल फीडबैक है उसको कमेंट सेक्शन में डेफ़िनेटली लिख सकते हो बिकॉज कमेंट सेक्शन इज अवेलेबल फॉर एवरी वन सो लेट्स इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू